Okay, so hello everyone. What's your next plan? क्या डिसाइड किया है आयुषी? सर, आई एम गोइंग टू डू ऑप्शनल. आई टुक अ ब्रेक अभी तक बिकॉज आई न्यू कि नहीं होगा. एंड नाउ आई एम डू आई स्टार्ट विथ एथिक्स. एथिक्स आई एम प्रेजेंटली डूइंग फ्रॉम द रेड बुक बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीड इट. इफ देर इज समथिंग बेटर देन आई ऑब्वियसली वॉन्ट टू गो विथ इट. एंड फॉर साइकोलॉजी आई फाउंड सम नोट्स ऑन ऑल द टॉपिक्स. फॉर पेपर टू ऑल्सो आई फाउंड. सो दे आर नोट्स फ्रॉम आई थिंक रवि जैन. एंड आई एम गोइंग टू फर्स्ट रीड थ्रू इट. इफ आई डोंट अंडरस्टैंड समथिंग देन आई एम गोइंग टू लुक अप द बुक्स. एंड आंसर राइटिंग ऑल्सो दे हैव पोस्टेड देर आंसर्स इन द ब्लॉग. सो आई ट्राई टू रेप्लीकेट इट फर्स्ट एंड देन आई राइट माई ओन आंसर्स. सर, मैं पहले ही अपने ऑप्शनल पे फोकस करने वाली हूँ. ऑप्शनल GS1 एंड एथिक्स पे, उसके साथ आंसर राइटिंग भी. बढ़िया, सही है। हाँ, बिकॉज GS1 एंड एथिक्स पेपर इज कनेक्टेड। हाँ, देखो, यस सर. एथिक्स के पेपर में अगर आप जो भी नोट्स हैं या प्रिवेलिंग नोट्स हैं, उन्हीं चीजों को कॉपी करो, करने की कोशिश करोगे, सो यू विल नॉट एबल टू ऐड ओरिजिनलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अप्लाई योर नॉलेज पार्ट विच यू ऑलरेडी हैव, एंड इन मेन्स पार्ट when you are writing answers you have to show your thought process very clearly to the examiner. it should be very lucid and simple. मतलब आपका जो लैंग्वेज है इट शुड बी वेरी जनरलिस्टिक इन जीएस पेपर एंड इन एथिक्स एंड एसए पेपर एंड GS1 पेपर। GS1 वी हैव ऑलरेडी डन मैनी थिंग्स रिलेटेड टू मेन्स पार्ट, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं लाइक रिलेटेड टू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, नेशनलिस्ट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एंड द पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद सूफी भक्ति मूवमेंट एंड द एंशियंट फिलोसफर्स। You can use it. You can use it in ethics and essay paper. Apart from it, the society paper is also the society part in GS paper one is, and also the human geography part of GS paper one. It should be understood very clearly with examples and with practical applications. वो पार्ट आप एथिक्स और एसए के पेपर में यूज करोगे, इट विल ऐड ओरिजिनलिटी टू योर पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू शुड राइट सम आंसर्स फर्स्ट रिलेटेड टू एथिक्स पेपर एंड देन ट्राई टू कंसोलिडेट न्यू कॉन्टेंट। पहले कुछ उसको आप मतलब वैसे जज मत करो कि कुछ नया नहीं किया है या कुछ मिस आउट हो रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप कुछ आंसर्स पहले लिखो, केस स्टडीज लिखो, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करो, क्योंकि यूपीएससी वैसा क्वेश्चन नहीं देगा, या वैसा अगर सेम कंटेंट हर कोई लिखेगा इट विल नॉट ऐड ओरिजिनलिटी टू योर आंसर। और देखो, इट कंटेंट कुछ भी है वो बहुत सिंपल मैनर में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है एथिक्स के पेपर में खासकर। और इन द एथिक्स पेपर योर आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट गेटिंग। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो और उनको मैप करो थीम पर्सपेक्टिव से, खुद से करो, और जो भी डाउट्स आए वो पूछो। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कर लिया तो आप इजिली अप्लाई कर लो। उसके बाद जो डाउट्स क्रिएट होंगे आप डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करोगे, तब वो चीजें आपके दिमाग में अपने आप रिटेन हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 10 डेज, आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर द न्यू मटीरियल। पुनीत, व्हाट इज योर प्लान? एंड आयुषी, हाँ, कनेक्ट योर साइकोलॉजी ऑप्शनल पार्ट एंड एथिक्स पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर. ठीक है, वहां पे जो आपका परसेप्शन मैनेजमेंट, बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज,
कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, तो ये सारा पार्ट रिलेटेड है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, कंटेंट की बात नहीं है। यू शुड प्रिपेयर लाइक लाइक यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम व्हेन यू डोंट हैव रिसोर्सेस या वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। एंड दिव्या, यू शुड ऑल्सो यूज योर जो PSIR ऑप्शनल पार्ट, जो फिलोसफर्स वाला पार्ट है, उसको यूज करो। बट हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू राइट एथिक्स आंसर्स, नॉट लाइक ऑप्शनल पेपर्स एंड नॉट लाइक GS पेपर 1, 2 एंड 3। इट शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी रिटन फ्रॉम एथिकल परस्पेक्टिव, फिलोसफिकल परस्पेक्टिव, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव, सोशल परस्पेक्टिव, मॉरल परस्पेक्टिव। तो वो पहले लिखो, आई विल करेक्ट यू इफ यू विल डू मिस्टेक। पुनीत, सर हाँ क्या अभी क्या प्लान है? सर एक बार पहले ऑप्शनल जो है पूरा मैं सोच नहीं, ऑप्शनल के रहा साथ हूँ साथ आप GS 1 और GS 4 को कनेक्ट करो। सर। ठीक है सर, तो मतलब एक एक GS का और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक जीएस है सर, पेपर 1, GS पेपर 4 एंड योर ऑप्शनल पेपर। योर ऑप्शनल इज फिलोसफी, सो इट इज वेरी मच कनेक्टेड विद पेपर 1 एंड पेपर 4। ठीक सर है, उसको इंटीग्रेटेड वे में करोगे तो यहाँ का जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां यूज होगा और वहां का यहाँ यूज होगा। जो अगर कुछ कि यहाँ पे जनरल कैसे लिखना है और जीएस के पेपर में, तो वो आई विल अवेलेबल। ठीक है, ठीक है इंटीग्रेट करके करो, मेहनत भी कम रहेगी और एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। सर। ठीक है, अभी तुम्हें डेली मतलब तीनों को ही मेरा सजेशन है कि अभी आप कुछ 5 क्वेश्चन GS के डेली लिखो मिनिमम। ठीक है सर, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म बाय। करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, टाइम दो। अभी जल्दी लिखने का की जरूरत नहीं है, अभी कुछ दिन आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर बढ़ाओगे और पहले ब्रेनस्टॉर्म करोगे फिर लिखोगे, फिर धीरे धीरे आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो आई विल सी और उसको धीरे धीरे रिफाइन कर लो। ठीक है, ठीक है पेपर सर, वन पेपर फोर यहाँ से 5 क्वेश्चन और अपने ऑप्शनल के आप 5 क्वेश्चन एक दिन या 2 दिन में लिख सकते। ओके सर, ठीक है, अभी प्रीलिम्स के लिए देखो जो भी रिजल्ट आया है, अभी आपको 3 महीने मीन्स को ही स्ट्रॉन्ग करना, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि प्रीलिम्स का फियर खत्म करके अभी खाली मेंस पे फोकस करना है। और मेंस का अभी जो 3 मतलब काफी चीजें स्टैटिक ही रहेंगी, वो चीजें अगले साल भी अप्लाई हो, सो मतलब कोई डिसएडवांटेज नहीं है इतना। कुछ करंट जो डेवलपमेंट है वो ऐड हो जाएंगे अगले साल, बट जो आपका बेसिक पार्ट है वो कॉमन ही रहता है GS में। ठीक है, तो सर अभी आपको 3 महीने यही स्ट्रॉन्ग करना, और ये जो आप अभी आप मेंस पार्ट करोगे तो इसका फायदा आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सोल्व करने में भी मिलेगा, क्योंकि इससे आपका जो सोचने का जो होराइजन है वो बढ़ेगा। ठीक है, आपको नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे और आपका मतलब चीजों को और अच्छे से जनरलाइज कर पाओगे और इट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स पेपर एज वेल। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेंस लिखते हैं ज्यादातर प्रीलिम्स निकालना इजी रहता है कम टाइम। ओके यस, सर, सर हाँ और कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो। अभी क्वेश्चन लिखो, कंटेंट वहीं से मिल जाएगा, कहीं और जंप करने की अभी जरूरत नहीं है। आयुषी, अंडरस्टूड? सर, उस क्वेश्चन में ही बहुत कुछ कंटेंट है, उसमें आपको पूरा एग्जामिनर का साइकी समझ में आ जाएगी, उसने खुद ही इतना सारा कंटेंट दे रखा है। पिछले 10 साल के पेपर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, बट वो उस पर काम करना पड़ेगा, तब वो कंटेंट आपके दिमाग में स्टोर होगा, और वो स्टोर होना तरीके से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो रिटेन कैसे होगा, व्हेन यू प्रैक्टिस दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन वेरी ऑर्गेनिक मैनर, यू शुड कनेक्ट इट विद योर पर्सनल लाइफ, योर सोसाइटल लाइफ, योर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ। गेटिंग, कुछ नई चीजें पढ़ते हैं उससे कनेक्ट कर सकते हो, आप मूवीज देखते हो उससे कनेक्ट कर सकते हो, वेब सीरीज देखते हो उससे कनेक्ट कर सकते हो, तो वो इनफैक्ट आपका बेटर एनरिचमेंट करेगा। एंड यू हैव लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू आर अटेम्प्टिंग नाउ 2025 पेपर। यू शुड बिल्ड योर थॉट प्रोसेस इन वेरी ऑर्गेनिक मैनर एंड इन वेरी मतलब आपको फ्री माइंड से काम करना है, प्रीलिम्स का भी नहीं सोचना, अभी बस ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है।
वंस यू आर कंफर्टेबल इन जीएस पेपर है वन एंड जीएस पेपर फोर, देन वी विल राइट एसे पेपर ऑल्सो, इजी हो जाएगा उसका। ओके सर, ठीक है, तो अभी अपना लिस्ट बनाओ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का, उसके बारे में उनके बारे में पढ़ो एंड स्टार्ट डिस्कसिंग विद मी। आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू जो मतलब यूज कैसे करना है उनका। तो अभी लिस्ट बनाओ इन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ो, उनको अप्लाई करो, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे सोसाइटी किस तरीके की होनी चाहिए, सोसाइटी एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट कैसे हो, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, या जैसे गांधी जी से को हमने रिलेट किया था बट टाइप ऑफ एजुकेशन गांधी जी वांटेड, हाउ यू यू कैन रिलेट विद हिज रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स, कॉलोनियल आस्पेक्ट अभी भी कैसे हम मैनिफेस्ट हो रहा है, कॉलोनियल जो डिस्ट्रक्शन था उसका इम्पैक्ट आज भी हम कैसे देख रहे हैं, ये सारी चीजें कनेक्ट करनी। पेपर वन को आप इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे, यू शुड इंटीग्रेट कॉलोनियल परस्पेक्टिव, द सोशल प्रॉब्लम्स आस्पेक्ट, अर्बनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट प्रोसेस, द रिसोर्स यूटिलाइजेशन पार्ट, द इंडस्ट्रीज पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, गेटिंग यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, तो ये सारी चीजें और पर्सनैलिटीज इतनी सारी हैं वो कनेक्ट करोगे, यू हैव एक गुड नॉलेज पूल दैट कैन बी अप्लाइड इन योर जीएस पेपर फोर एंड एसए पेपर। ठीक है, तो अभी टॉपिक वाइज चलते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, पांच पांच क्वेश्चन लिखो और जस्ट मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, आई विल डिस्कस विद यू। अभी कुछ दिन करो फिर उसको स्टैंडर्डाइज कर लो। यस सर, ठीक है, और कुछ डिस्कस करना है? अभी 5-7 दिन ऐसे ही चलेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। केस स्टडी व्हाट हाँ, एथिक्स में वो केस स्टडीज वाला पार्ट है, वो आप सोल्व करो, वही कह रहा हूँ मैं। आप अभी 5-7 दिन जो अपनी जिस जिसकी जितनी इंटेंसिटी है, जितना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आप अपने लेवल पे लिखो और मेरे को आप व्हाट्सएप करो। ठीक है, आई श्यू यू हैव सेंड मी केस स्टडी, आई विल डिस्कस विद यू आफ्टर दिस कन्वर्सेशन। ओके सर, दिव्या, पुनीत, सर हाँ आप भी दोनों जो पिछले 2-3 साल की केस स्टडीज हैं एक बार गो थ्रू करो एथिक्स की, मैपिंग करो क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या यूपीएससी की डिमांड है, गेटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और फिर कुछ केस स्टडीज लिखो और फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, ठीक है, तो अभी यही रहेगा, दैट्स इट, अभी शुरू करो एंड कीप अपडेटिंग मी एवरी डे ठीक है सर। फॉर कमिंग 7 डेज।